Now the topic is vapor pressure. Liquid solution ke andar vapor pressure is very important. Vapor pressure ko samajhna bahut zaruri hai aur fir iske further hum log implementation karenge in the liquid solution. So what's about the vapor pressure? आप इस चीज़ को ऐसा समझें कि सपोज दिस इज एनी कंटेनर, ये कोई एम्प्टी कंटेनर है जिसके अंदर कोई लिक्विड नहीं है, फिर हम लोगों ने इसके अंदर लिक्विड डाला, लिक्विड हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करा। आपको एक चीज़ ध्यान रहे कि जो लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज में जो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों होते हैं। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जो भी अट्रैक्शन फोर्सेज हैं उनको हम लोग नाम दे रहे हैं, दैट इज़ द इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल इसी हमने लिक्विड फेज में ले लिए, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और लिक्विड फेज में जब मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपस में कोलाइड भी कर रहे होंगे, कोलाइड कर रहे होंगे तो मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी और वो काइनेटिक एनर्जी सरफेस वाले मॉलिक्यूल में भी होगी, या ऊपर की तरफ हमने उन्हें ले लिया कुछ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अब आप ध्यान दें, वैसे तो हमको मालूम है कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ तो वोलेटाइल करेक्टर होता ही है, लिक्विड के अंदर वोलेटाइल करेक्टर होता ही होता है। इसके अंदर जो लिक्विड फेज में मॉलिक्यूल्स थे उसमें हमने बात करी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स और अट्रैक्शन की, और मॉलिक्यूल्स के अंदर लिक्विड फेज में कोलिजन्स की वजह से दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने बाहर की तरफ दिखा दी। ये हम बेसिकली सरफेस वाले मॉलिक्यूल की अभी हम बात कर रहे हैं। तो ध्यान दें, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन एनर्जी, बेसिकली दिस इज द अट्रैक्शन एनर्जी एसोसिएटेड विद इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे केस में मॉलिक्यूल सरफेस एरिया को छोड़ेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज टू वेपर फेज। जब लिक्विड फेज से वेपर फेज की तरफ कन्वर्ट होगा, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड एवेपोरेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब आप ऐसा सोचें कि मान लीजिए एवेपोरेशन चल रहा है, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है विद अट्रैक्शन एनर्जी ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे केस में ये सारे मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ये आपके गैस फेज में चले जाएंगे। बेसिकली ये वाला जो फेज दिखा रहे हैं, दिस इज द गैस फेज, और दूसरा वाला, दिस वन इज लिक्विड फेज, दिस वन इज लिक्विड फेज। जब मॉलिक्यूल्स चले गए वेपर फेज में, उसके बाद आपको मालूम है
उनकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे ख़त्म होगी, एक हाइट तक जाएंगे, रुक जाएंगे, उसके बाद वापस मॉलिक्यूल के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और साथ साथ इन मॉलिक्यूल को बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या कर रहा होगा, सप्रेस कर रहा होगा। तो मॉलिक्यूल आएंगे और मॉलिक्यूल आने के बाद इस सरफेस पर आके कोलाइड करेंगे, जरूरी नहीं सारे मॉलिक्यूल आए, कुछ ही मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे, कोलाइड करेंगे और अपने आप को गैस फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बोल सकते हैं कि जब मॉलिक्यूल कुछ विशेष केसों में एनर्जी एसोसिएटेड विद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे केस में मॉलिक्यूल जो है वो गैस फेज से वापस आएगा, लिक्विड सरफेस पर कोलाइड करेगा, अल्टीमेटली वेपर फेज से इट कन्वर्ट्स इन लिक्विड फेज। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो आप बात को समझें कि लिक्विड के अंदर जब भी कोई लिक्विड होता है तो उसके अंदर एवेपोरेशन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है, दोनों साथ साथ। जब यहां पर हम लोग लिख रहे हैं एवेपोरेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच जब कंप्लीट इक्विलिब्रियम बन जाता है, कि मतलब जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही कंडेंस हो रहे हैं, उस टाइम पर प्रेशर रिकॉर्डेड, उस टाइम पर सरफेस के पास जो प्रेशर रिकॉर्डेड है उस प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो आप ध्यान रखें, व्हेन देयर इज ए कंप्लीट इक्विलिब्रियम, नोट लिख लें आप, व्हेन देयर इज ए कंप्लीट इक्विलिब्रियम बिटवीन एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, कंप्लीट इक्विलिब्रियम बिटवीन एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, एट दैट टाइम प्रेशर रिकॉर्डेड ओवर ओपन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको समझनी है, आप कुछ ऐसा सोचें कि एक टब में वाटर है और दूसरा टब तुम्हारा एम्प्टी है और एक टब ऐसा है जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, इसमें से आपने थोड़ा सा वाटर निकाल के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया,
जब आप वाटर को ट्रांसफर करेंगे तो उस टाइम पर मोस्टली वाटर जो है वो कंडेंस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो शुरुआत में यहां पर वाटर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल एवेपोरेट करेंगे, तो शुरुआत में एवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन से बहुत ज्यादा होता है और धीरे धीरे स्लो होता जाता, कंडेंसेशन का बढ़ता चला जाता। एक टाइम ऐसा आता है कि देयर इज ए कंप्लीट इक्विलिब्रियम बिटवीन एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। उस टाइम पर जो प्रेशर रिकॉर्डेड है ऑन ओपन सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड या जिस भी डिवाइस के थ्रू हम लोग मेजर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का मेजरमेंट तब कब करते हैं हम लोग, जब रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम बन जाए, मतलब रेट बराबर हो जाए, रेट ऑफ एवेपोरेशन। ध्यान रहे आपको, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग जिसको आपको याद रखना है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई द प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर्स ऑफ लिक्विड वेपर्स ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर, इज नोन एज वेपर प्रेशर। बहुत आसान है, बहुत समझने वाली चीज है। प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर्स ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। मेजरमेंट भी हम लोग किस टाइप से करेंगे, इसके लिए एक स्पेशल हम लोग कंटेनर डेवलप करेंगे। कंटेनर कई टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कोई विशेष कंटेनर टाइप का बना रहे हैं। सपोज करो एक क्लोज कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर वाटर है, कंटेनर के अंदर वाटर है, वाटर है, ऊपर क्या होंगी इसकी वेपर्स। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के बीच में यहां कंप्लीट इक्विलिब्रियम है और इसी डिवाइस को हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई किया और यहां से हम लोगों ने एक ट्यूब लगा दिया। आप कुछ ऐसा सोचें, ये कुछ इस टाइप की डिवाइस रही होगी। यहां पर हम लोगों ने एक स्टेप कॉर्क लगा दिया,
बंद है, इस कंटेनर के अंदर पूरा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, फिर इसको हम लोगों ने एक ट्यूब के साथ एड जोड़ दिया, इस ट्यूब के साथ इसको ऐड कर रहे हैं, और इसके अंदर भी लिक्विड पड़ा हुआ है, ये पूरा लिक्विड पड़ा हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हो, यहां से हम लोगों ने जब ये स्टेप कॉर्क ओपन की, स्टेप कॉर्क यहां से हम लोगों ने ओपन करी, तो प्रेशर पड़ेगा, यहां से प्रेशर पड़ेगा, ये यहां से इसको डिस्प्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा तो इसकी हाइट ऊपर तक बढ़ जाएगी, तो जितना ये राइज कर जाएगा उसके हिसाब से हम लोग बोल देंगे कि उसका वो वाटर प्रेशर है। आपको पता है जो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O वेपर्स, H2O लिक्विड H2O वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में है, और जो ट्यूब में बताया हमने कि वाटर का लेवल तो राइज करेगा, ये यहां पर वाटर का लेवल राइज करता चला जाएगा। जब इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम आपको पता ही है, प्रेशर ऑफ H2O वेपर अपॉन प्रेशर ऑफ H2O लिक्विड, और H2O लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिक्विड का जो एक्टिविटी होती थी वो कितनी होती थी, 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो जो K इक्विलिब्रियम होगा वही पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर होगा या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होगा, सो दिस इज इक्वल टू पी H2O वेपर, PH2O वेपर। तुमको पता है हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था कि जितने भी केमिकल इक्विलिब्रियम होते थे वो सारे टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होते थे, इसीलिए दिस वन, दिस टर्म इज ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, तो अल्टीमेटली जो वेपर प्रेशर होगा यहां हम लोग लिख रहे हैं कि वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए एक बर्तन आपका स्पेरिकल है, कंटेनर स्पेरिकल है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिलेंड्रिकल है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपको ये ध्यान रखना है। सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पर देखें, आपकी इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वेपर प्रेशर
does not depend on volume of container. Volume ke upar depend nahi karta, or shape of container. Shape of container ke upar bhi ye depend nahi karega. Bahut important hai. Volume par depend nahi karega, shape ke upar depend nahi karega. Shape spherical ho, cylindrical ho, kisi bhi type ka shape ho, depend nahi karega. Sirf vapor pressure yadi depend karega, to wo temperature ke upar depend karega. Aur bhi factors hote hain, un factors ko bhi hum bata dete hain. Now factors, then aapko factors affecting on vapor pressure. Factors affecting on vapor pressure. खुद सोच रहा आप इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं. तो पहला पॉइंट होता है नेचर ऑफ लिक्विड. आपने पढ़ा होगा कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो ज्यादा वोलेटाइल होते हैं और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो कम वोलेटाइल होते हैं. वोलेटाइल का मतलब हुआ वो वेपराइजेशन उनका जल्दी हो जाता है. आप ऐसा सोचें कि हम लोग ने दो कंटेनर लिए, दो कंटेनर में दो लिक्विड हैं. दो कंटेनर में दो लिक्विड हैं. इसमें देखें आप कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अभी बताया था. मान लीजिए जो अट्रैक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू यहां एफ वन है और इस केस में जो वैल्यू है दैट इज वैल्यू इज एफ टू. ये F1 F2 क्या है? इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अब आप देखें सपोज F1 इज ग्रेटर देन F2, इसको थोड़ा आप डिस्क्राइब कर दो. यहां लिख दें हम लोग मोर इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहां पर लेस इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो अल्टीमेटली F2 की वैल्यू कम है. तो तुम ध्यान करो लिक्विड से क्या होता था, ऊपर वेपर्स में मॉलिक्यूल जाते थे, यहां भी वेपर्स में ऊपर जाएंगे. जितनी कम वैल्यू होगी इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, जितनी वैल्यू कम होगी उतना आसानी से वेपराइज होगा और जितना ज्यादा वेपराइज होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा. तो तुम बोल सकते हो कि ये वाला जो लिक्विड है दिस लिक्विड इज मोर वोलेटाइल. और ये वाला दिस इज
less volatile, more volatile and less volatile. तो यहां पर निष्कर्ष हमारा निकल के आ गया greater the intermolecular force of attraction, lesser will be the escaping tendency. Lesser will be the escaping tendency into vapor phase. Therefore, lesser the vapor pressure. Escaping tendency यदि कम होगी तो vapor pressure भी क्या होगा, कम होगा. Escaping tendency जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा vapor pressure होगा. तो पहला हमारा था nature of liquid. Battery, it's okay. Second, effect of temperature. Effect of temperature. Temperature का क्या effect होगा? सोचें आप कि H2O liquid लिया, से H2O gas बन गया. H2O liquid से H2O gas. What is the K equilibrium? This is equal to pressure of H2O gas. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? This is the vapor pressure. आगे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, P इज प्रोपोर्शनल टू E टू द पावर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन RT. आपने पहले हो सकता पढ़ा हो सकता आपने नहीं पढ़ा हो. It depends कि कब हम आपको ये formula use करेंगे, कब यहाँ पर use नहीं करेंगे. वैसे common sense से देखो आप कि एक temperature है T1, इसके ऊपर pressure है P1, temperature है T2, pressure है P2. और हम आपसे बोल रहे हैं कि T2 is greater than T1. T2 is greater than T1. और तुमको मालूम है जो डेल्टा एच वेपराइजेशन होगा, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन ये जो प्रोसेस होता है, दिस इज एंडोथर्मिक. This is endothermic. और यदि सपोज आपने एक कंटेनर में यहां कोई लिक्विड लिया, ये लिक्विड किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहा है तो मॉलिक्यूल्स का भी वही टेम्परेचर होगा. फिर आपने इसको हीट देना शुरू कर दिया, हीट देना शुरू कर दिया, बेसिकली
एनर्जी देनी शुरू कर दी। एनर्जी यदि आपने देनी शुरू कर दी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो ये क्या मॉलिक्यूल ज़्यादा एस्केप करेंगे। जब मॉलिक्यूल ज़्यादा एस्केप करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली पी टू इज ग्रेटर देन पी वन, पी टू इज ग्रेटर देन पी वन। इसका एक कर्व भी देख लो आप, इक्वेशन है, मान लीजिए यहाँ ले लें हम लोग P इज इक्वल टू A कांस्टेंट, बाय RT, ln P इज इक्वल टू ln A माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर बाई वन बाई टी। एल एन पी इज इक्वल टू एल एन ए माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर इंटू वन बाई टी। तो हम लोग में को ग्राफ खींचना है यहाँ, ये आपका हो गया एल एन पी वन बाई टी। तो वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम इंटू एक्स, जहां एक्स आपका वन बाई टी हो गया। तो एम देख रहे हो आप निगेटिव है, एम यदि निगेटिव है तो ये निगेटिव स्लोप आ गया। ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज एल एन ए, दिस वैल्यू इज एल एन ए। स्लोप जहां हुआ, दिस स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर। इसको ड्राइव करने के लिए आप सोचें कुछ इस टाइप से कि जब टेम्परेचर T1 है तो प्रेशर हमारा है P1। तो इक्वेशन आ गई हमारी ln P इज इक्वल टू ln A माइनस डेल्टा H, वेपराइजेशन को डेल्टा H लिख रहे हैं, अपॉन R इंटू वन बाई T1। और जब टेम्परेचर T2 है तो प्रेशर P2 हो गया। वैसे तो हमने आपको मैनुअली समझा ही दिया है। तो ln P इज इक्वल टू ln A, ये P2 हो गया, माइनस डेल्टा H अपॉन R इंटू वन बाई T2, वन बाई T2, वन अपॉन T1 हो गया और ये वन बाई T2। फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ एल एन पी टू माइनस एल एन पी वन, ये पी वन था, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर 1 upon T1 minus 1 upon T2, 1 upon T1 minus 1 upon T2. Now this is ln P2 by P1
this is delta H upon R T2 minus T1 upon T1 T2. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको? डेल्टा एच तो हमारा पॉजिटिव है. नाउ डेल्टा एच इज व्हाट? इट इज पॉजिटिव क्योंकि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और T2 इज ग्रेटर देन T1. तो अल्टीमेटली आप यहां से बोल सकते हो कि ln P2 बाई P1 इज ग्रेटर देन 0. दैट्स वाई P2 इज ग्रेटर देन P1. तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है. तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रिमेंबर द वेपर प्रेशर ऑलवेज इंक्रीजेस. तो पहला हुआ नेचर ऑफ लिक्विड, दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और तीसरा पार्ट हम लोग बोल रहे हैं इफेक्ट ऑफ एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. क्या इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. सोचें आप कि हमारे पास सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल. तो आपने यहां क्या किया, एक कंटेनर लिया और इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है. एक कंटेनर के अंदर यहां पर आपके पास प्योर सॉल्वेंट है. प्योर सॉल्वेंट यदि होगा तो सारे मॉलिक्यूल यहां से एस्केप करेंगे और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हम लोगों ने ले दिया पी नॉट. इसको ले लिया हम लोगों ने पी नॉट. फिर आपने क्या करा, इसी के अंदर प्योर सॉल्वेंट जो था, प्योर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डाल दिया. सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो नॉन वोलेटाइल यदि है तो आप सोच सकते हो कि इस मिक्सचर के अंदर कहीं कहीं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाएंगे सरफेस पर भी. तो सरफेस पर पहले तो सारे एस्केप करने वाले मॉलिक्यूल थे, वोलेटाइल थे सारे. अब जो है एस्केप करने वाले पार्टिकल कम हो गए क्योंकि नॉन वोलेटाइल कभी एस्केप नहीं करता, तो यहां पर थोड़ा कम एस्केप करेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. तो यहां पर ले लिया हम लोगों ने पी. तो जब भी हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज करता है. तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है. सो रिमेंबर व्हेन द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस. यू रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसी को आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो आप अभी तक समझे कि वेपर प्रेशर का क्या मतलब होता है और वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है.